फतेहाबाद के गांव नुरकी अहली में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। गांव में अपने ससुराल गए 32 साल के एक शख्स की पत्नी, सास और ससुर सहित करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं और इस मामले में पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस पर DSP अजीत सिंह ने बताया कि शिकायत में मृतक की पत्नी अनीता, सास, ससुर और अन्य रिश्तेदार सहित 11 नामजद और 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। DSP ने बताया कि फिलहाल जांच चल रही है और पूछताछ के लिए कुछ लोगों को थाने बुलाया गया है और पड़ताल की जा रही। वहीं मृतक की बहन ने बताया कि करीब 4 साल पहले गांव नुरकी अली निवासी अनीता के साथ उसके ममेरे भाई निशांत की अंतरजातीय लव मैरिज हुई थी। लड़की की रजामंदी से ही यह शादी हुई थी और कोर्ट से भी शादी को वेरीफाई करवाया गया था। मर्डर हुआ है, प्री प्लान मर्डर था। निशांत की वाइफ, उसकी पूरी फैमिली मिली हुई है। अभी पुलिस ने FIR दर्ज करी है, पोस्टमार्टम अभी पेंडिंग है। अभी हमें कॉपी दी है इन्होंने और ये इनका कहना है कि 4 बंदों को हमने अरेस्ट कर लिया है। हमें बस न्याय चाहिए। जितने भी बंदे हैं सबको, सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। और सुबह से 2:30 बजे से हम खड़े हैं और अभी तक हमारी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। प्री प्लान्ड उसको बुला के जी, पहले कल वो शादी के लिए अपने घर से निकला था, उसकी निशांत की सिस्टर की शादी थी, मासी की लड़की, घर से निकला था और वहां से इन्होंने, अनीता के घर वालों ने इसको बुला लिया कि तू आ जा, उसको ले जाइयो, कोई बात नहीं। तो वो उनके घर चला गया और उन्होंने वहां जाके सारों ने इकट्ठे मिलके, चाचे ने, भाइयों ने, नीता ने, नीता की माँ और ये सब मिले भगत करके उसको इतना मारा। लड़की के माँ बाप को पसंद नहीं थी ये शादी। मृतक की बहन ने बताया कि कुछ दिन पहले निशांत की पत्नी अनीता अपने मायके जरूरी काम से गई थी और उसके बाद वापस नहीं आई। बीते दिन निशांत अपनी मौसी के यहाँ शादी के कार्यक्रम में आया हुआ था और वापस घर जाते हुए रास्ते में निशांत के पास अनीता का फोन आया और उसे अपने गांव नुरकी अहली बुलाया गया। निशांत अपनी पत्नी को लेने के लिए गांव नुरकी अहली में पहुंचा तो वहां पर ससुराल जनों ने उसकी बुरी तरीके से पिटाई की और पीट पीट कर निशांत की हत्या कर दी। मृतक की बहन ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने मृतक की पत्नी और कुछ रिश्तेदारों सहित 4 लोगों को पकड़ा है और उनसे पूछताछ कर रही है। परिवार वाले आए हैं तो उन्होंने उसके भाई ने कंप्लेंट दर्ज कराई कि मेरे भाई की, उसके जो ससुराल वाले थे नुरकेली गांव में, अनीता और उसके परिवार वाले, उन्होंने पीट पीट कर हत्या कर दी। तो जिस पर मुकदमा 302 ICPC के तहत दर्ज कर लिया गया और इन्वेस्टिगेशन जारी। इसमें अनीता और उसके परिवार के करीब 11 आदमी भाई ने है और बाकी अन्य 8-9 व्यक्ति और। वहीं पोस्टमार्टम कार्रवाई को लेकर भी परिजनों ने पुलिस पर लेट लतीफे के आरोप लगाए हैं। मृतक की बहन ने कहा कि परिवार के लोग दोपहर 2 बजे से पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए बैठे हैं, लेकिन आज पूरा दिन बीत जाने के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि अंतरजातीय विवाह को लेकर लड़की के परिजन खफा थे और ऐसी संभावना है कि लड़की और उसके परिजनों ने इसी बात से खफा होकर निशांत की हत्या को अंजाम दिया। वी न्यूज़ के लिए फतेहाबाद से अजय मेहता की रिपोर्ट।